एक एक्टर कभी मरता नहीं है, वो हमेशा जिंदा रहता है, याद किया जाता है अपने काम के नाम से। उस एक्टर का शरीर नष्ट हो सकता है लेकिन उसकी शख्सियत हमेशा जिंदा रहती है उसके काम के रूप में। और ऐसी ही एक शख्सियत थी हमारी इंडस्ट्री की, इरफान खान साहब। जब जब फिल्म इंडस्ट्री में कोई दमदार परफॉर्मेंस वाली फिल्में रिलीज होती है तब इरफान खान साहब बहुत याद आते हैं। हाल ही में फिल्म रिलीज हुई गंगूबाई काठियावाड़ी, जबरदस्त कास्टिंग की गई। हालांकि आलिया को लेकर मिक्स लोगों के रिएक्शन आए, लेकिन अजय देवगन, विजय राज, सीमा पावा, इन सभी की परफॉर्मेंस जबरदस्त थी और एक एक कैरेक्टर ने अपनी छाप छोड़ी। और अजय देवगन की अगर बात करें तो इस तरह के किरदार अजय देवगन पहले भी कर चुके हैं और वो इस तरह के किरदार को खा जाते हैं। हम वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई देख चुके हैं, जिस तरीके से अंडरवर्ल्ड डॉन का किरदार अजय देवगन ने उस फिल्म में निभाया था उसे भी पसंद किया गया था। और इस फिल्म में भी अजय देवगन ने अपने किरदार को निभाने से कोई कमी नहीं छोड़ी, बस ये लगा कि थोड़ा और स्क्रीन स्पेस अजय देवगन का हो सकता था। इस फिल्म को देखकर सबसे बेहतर अभिनय की अगर बात की जाए तो अजय देवगन टॉप पर है। टॉप परफॉर्मेंस की बात होती है और इस तरह के सीरियस संजीदा किरदारों की बात होती है तो फिर याद आते हैं इरफान खान साहब। इनफैक्ट सोशल मीडिया पर कई लोगों ने अजय देवगन के इस किरदार के लिए इरफान खान साहब को भी याद किया और कहा कि काश आज वो जिंदा होते तो उन्हें इस तरह के किरदार में देखने का मजा कुछ और ही होता। सबसे बड़ी बात, इरफान खान साहब इतनी बड़ी शख्सियत है, उनके जाने के बाद तो उनके काम के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, लेकिन जिंदा रहते हुए भी इंडस्ट्री में वो इतने बड़े फिल्म मेकर के साथ काम करने से चूक गए। क्या संजय लीला भंसाली की कभी उन पर नजर नहीं पड़ी? क्यों संजय लीला भंसाली ने कभी इरफान खान साहब को अपनी किसी फिल्म में कास्ट नहीं किया, ये एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। कहीं ना कहीं अजय को इस फिल्म में देखकर इरफान खान साहब याद आ जाते हैं और लगता है उन्हें देखते तो भी मजा आता। क्या आपको भी लगता है कि इस फिल्म में वो रोल इरफान खान साहब करते तो बहुत अच्छे से करते, या फिर अजय देवगन ने भी अच्छा किया है? जो है, अजय अपने काम में माहिर है। क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।